हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय जसोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय जामन तिरवन चारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और हरी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मिताई और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर ब्रह्मानंद हरि ओम ज्ञान तिमिराम धस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदाळे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः तमादिदे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ।
उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गत कल्ले श्रवण कर रहे थे श्री मुकुंद जब महाप्रभु उनको दंड दिए और बोले तुम जिस दल में जाते हो वैसे बन जाते हो, जब ज्ञानियों के दल में जाते हो तुम ज्ञान की महिमा को प्रकाश करते हो, जब भक्तों के दल में जाते हो तुम भक्ति की महिमा प्रकाश करते हो, इसलिए तुम खड़झटिया है, इसलिए तुम्हारी ऊपर कृपा मैं नहीं करूँगा। लेकिन बाद में जब महाप्रभु बोले करोड़ों जन्म के बाद में फिर मैं मिलूंगा, फिर प्रसन्न हो गया। फिर श्री मुकुंद अपने आप को धिकार दे रहे हैं, कहते मैंने इसी मुंह में भक्ति का अनादर मैंने कैसे किया है। यहाँ पर कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भक्ति की, जब अगर हृदय में भक्ति नहीं हो, जैसे कंस ने कृष्ण को देखा, रावण ने राम को देखा, शिशुपाल दंत बकर कृष्ण को देखा, कंस ने कृष्ण, लेकिन देखते हुए भी हृदय में भक्ति नहीं होने का नाते उनका कोई भी लाभ नहीं हुआ। लेकिन भक्ति के द्वारा जैसे हम लोगों ने श्रवण किया कुब्जा कैसे भगवान को प्राप्त किया, भक्ति के द्वारा यज्ञ पत्नियों ने कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, कैसे भक्ति के द्वारा कैसे कहते मालाकार कैसे उन्होंने भगवान को भक्ति की है, कल हम लोग इसको श्रवण कर रहे थे। यहाँ पर कह रहे हैं कहते जो अनंत देव जो ये विश्व ब्रह्मांड को अपना सर के ऊपर में एक सरिसा जैसे ये विश्व ब्रह्मांड को धारण करके रखे, बोले किसकी बल पर है, कहते केवल ये भक्ति का बल पर ही ये अनंत देव ये पृथ्वी को धारण करके रखे। कहते शंकर जी के जो इतने महिमा, देखो जितना कृष्ण जी का मंदिर देखोगे उससे ज्यादा शंकर जी भोले बाबा का मंदिर देखोगे, जितने लोग कृष्ण की व्रत रखते हैं उससे ज्यादा देखोगे भोले बाबा का व्रत रखने वाले, कांवरिया होता है ना कंधे पर, क्या अब जाओ बड़ौत में देखो क्या उनकी मेला है, पता नहीं कितने दूर से कहाँ बद्रीनाथ से हैं और कितने कितने दूर से कंधे पर पानी लेकर के हैं चल चल करके हजार हजार मील तक दिन रात चल चल करके शंकर जी के सर के ऊपर में गंगा पानी ला कर डालते हैं, वाह वारी जो सोच नहीं सकते, और गाड़ी में भागते हुए वाह वारी क्या मेला लग जाती है कांवरियाओं का है। इसलिए यहाँ पर कह रहे जो शंकर जी को इतने जो महिमा है इसका क्या कारण है, तो यहाँ पर कहते हैं कहते केवल भगवान की भक्ति की ही कारण है, केवल भक्ति के कारण। शंकर जी कौन है, भगवान के सबसे प्यारे भक्त सत वैष्णवा नाम जथा संभो, कहते वैष्णव में अग्रगण्य श्री शंकर जी, इसलिए जगत में उनकी इतने बड़ाई इतने महिमा है। कहते भैया नारद की जहाँ जाओ नारद बाबा है, हर लीला में राम लीला में देखो, कृष्ण लीला में देखो, नारायण का लीला में देखो, नारद जी के बगैर तो भगवान का कोई लीला ही नहीं, हर लीला को पूछे श्री नारद जी। कहते ये नारद जी की इतने महिमा क्यों, कहते केवल भगवान की भक्ति की, भक्ति का ही महिमा है, इसलिए नारद जी को भगवान के भक्तावतार बताया गया, भगवान की ये भक्तावतार है इसलिए इतने महिमा है। यहाँ पर कहते चलो प्रभुपाद कहते हैं कहते भक्ति जो के गौरीपति कृष्ण शिव के पार्वती के पत्नी रूपे दिते चाहिलो श्री शिव उक्ति। अभी भक्ति को द्वारा शंकर जी कितने महिमा, अभी कृष्ण अभी चाहते हैं शंकर जी को, बोले शंकर जी ये पार्वती को अब ग्रहण कर लो, पार्वती को पत्नी रूप में अब ग्रहण कर लो, पार्वती जैसे पत्नी जगदम्बा जगजननी, शंकर जी से शायद ज्यादा महिमा पार्वती की है। अब जाओ जितने बड़े बड़े मंदिर देखोगे ना, जितने बड़े बड़े जैसे कहाँ पर जम्बू में है वहां पर जो वैष्णवी देवी है, वैष्णवी देवी और कौन कौन सा देवी विशेष करके इनका देखो, बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर में सब देवों का मंदिर है, है? हर गाड़ी के ऊपर में जय हम माता जी की जय है, जय माता जी की जय गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ होगा है। इसलिए शंकर जी से ज्यादा महिमा माता पार्वती के, इसलिए जब कृष्ण ने जब पार्वती ने तपस्या की
और कृष्ण ने शंकर जी को पास में गए जाकर के बोले ये पार्वती को तुम ग्रहण कर लो पत्नी रूप में। देखो जगत अम्बा जगत जननी पार्वती जैसे अगर कोई बोलेगा इनको पत्नी रूप में ग्रहण कर लो कितने सौभाग्य की बात है। माँ पार्वती को अपना पत्नी रूप में ग्रहण करना कोई साधारण बात है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ये भक्ति के प्रभाव कितने हैं। कहते कृष्ण बोले तुम पार्वती को ग्रहण कर लो, यहाँ पर स्वयं शंकर जी ये बात कहते हैं। बोले क्या कहते हैं, बोले निछामि गृहिणम नाथ वरम देहि मदीप्सितम तद भक्ति विषय दास्ये लालसा वर्धते निसम। कहते हे प्रभु निछामि गृहिणम नाथ वरम देहि मदीप्सितम, इसलिए हे प्रभु अगर आप चाहते हो मेरे को वर देने के लिए। बोले क्या, बोले भगवती भक्ति विषय दास्य लालसा वर्धते निसम, जैसे भगवान की दास्य में शंकर जी भगवान की दास्य रस में है। शंकर जी भगवान का दास है, शंकर जी अपना को हर समय मानता है मैं प्रभु का दास है। इसलिए शंकर जी उन्होंने क्या किया, कृष्ण लीला में श्री गोपीश्वर महादेव बनकर के आते हैं और रामलीला में जब उन्होंने देखा ये शंकर जी के शरीर को द्वारा हम भगवान राम की सेवा नहीं कर सकते हैं, फिर हनुमान ने क्या किया, बोले रुद्र देह त्यजी नेह बस बानर भये हनुमान। जब देखा ये रुद्र शरीर के द्वारा हम भगवान की सेवा कर ही सकते हैं, फिर उन्होंने श्री बंदर बंदर बन करके हनुमान रूप में उन्होंने आए और भगवान राम की उन्होंने सेवकाई की। इसलिए सेवकाई की, इसलिए राम का जितना जगत में देखना महिमा है ना, जगत जितना मंदिर देखोगे उससे ज्यादा देखो बस किसका, हनुमान जी की। जहां जाओगे हनुमान, रास्ता में घर में घाट में जहां जाओगे गांव गांव में राम का मंदिर ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे कहीं भी देखोगे हनुमान जी का मंदिर है, एक गदा लेकर हनुमान जी खड़े हुए। इसलिए यहाँ पर कह रहे बोले हे प्रभु मेरे को इतना आशीर्वाद दो जैसे तोत भक्ति विषय दास्य लालसा वर्धत निसम, जैसे हर समय तुम्हारी चरण में मेरी जो दास्य भाव हर समय बढ़ते रहे, आपकी चरण की मैं सेवा करते रहूं। बोले तृप्तिर न जायते नाम जपने पाद सेवने तन्नाम पंचवक्रेण गुणंचा मंगलालयम। कहते हे प्रभु मेरे को यही वर दो जैसे हर समय तुम्हारी नाम जप करते रहो हैं, जैसे तुम्हारी नाम जप करते करते जैसे कर मेरी तृप्ति नहीं हो, इतना नाम जप करे उतना ही प्रेम बढ़ते रहे और इच्छा करे और नाम जप करे और नाम जप करे। इसलिए शंकर जी को ब्रह्माचार्य सर है, भगवान का नाम जप करते हैं। शंकर जी का पांच सर क्यों है, कारण किया, बोले कारण है पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में हर समय भगवान का नाम को जप करते हैं, इसलिए शंकर जी पांच मुंह उन्होंने क्यों लिए, बोले कारण यही है। बोले हे प्रभु एक मुंह से तुम्हारी नाम जप करके मेरे को आनंद नहीं मिलता, तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए मेरे को पांच मुंह दे दो जैसे हर समय मैं तेरे नाम को जप करूं। इसलिए शंकर जी हर समय हनुमान जी का रूप में रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम है, और कहते शंकर जी के रूप में पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। इसलिए कभी राम का नाम कभी उन्होंने कृष्ण का नाम को वो जप करते हैं। इसलिए बोले तृप्तर न जायते नाम जपने पाद से बने, तुम्हारे नाम जप में तुम्हारी चरण की सेवा में जैसे मेरा तृप्ति नहीं हो, तन्नाम पंच बकरेण गुणंच मंगलालयम, इसलिए जैसे पंच मुह में हर समय क्या करूं तुम्हारी गुण मंगल है। अब जब मंगल मंगल भवन अमंगल हरि है, इसलिए जैसे हर समय पंच मुह में तुम्हारा नाम जप करते रहे। बोले स्वप्ने जागरण शाश्वत गायन ब्रह्माम्यहम तोत सेवन पूजन च बंदने नाम कीर्तन स्मरण कीर्तन नाम गुणयो श्रवणम जप तोत चारु ध्यान तोत पाद सेवाभिबंधनम वरम बरेश देहि नवधा भक्ति लक्षणम। कति ब्रह्म विवर्त ब्रह्म खंड में ये श्लोक है, जैसे प्रहलाद महाराज बताए ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्य सख्य
आत्मनिवेदन। जैसे श्री प्रहलाद महाराज बताए, जितना विद्याओं में ये सर्वश्रेष्ठ विद्या भगवान की नव विद्या भक्ति है। यहाँ पर श्री शंकर भी यही चीज को शंकर जी प्रार्थना करते, बोले प्रभु जैसे हर समय स्वप्ने जागरणे, सोते समय और जागते समय जैसे क्या करे, कहते हर समय तुम्हारी सेवा करते रहे, तुम्हारी पूजा करते रहे, तुम्हारी वंदना करते रहे, तुम्हारी कीर्तन करते रहे, तुम्हारे स्मरण करते रहे, तुम्हारी नाम जप करते रहे, तुम्हारे नाम को उच्चारण करते रहे, पाद सेवा करते रहे, प्रभु मेरे को ये नव विद्या भक्ति दान दो। इसलिए शंकर जी बोले हमें पार्वती को कृष्ण कर दिए, पार्वती को शादी कर लो प्रभु, हमको ये घर गृहस्थी माया में हमको मत फंसाओ। नहीं फंसा करके क्या करो, हमें क्या करो, आपकी चरण में भक्ति प्रदान करो, नव विद्या भक्ति प्रदान करो, यही वरदान दो। जैसे दिन रात में तुम्हारी नाम को जप करता, पार्वती को उन्हें निरंकर 80 बार कर दिया। मतलब पार्वती नहीं चाहिए, इतने सुंदर स्त्री है, लेकिन शंकर जी पार्वती को क्या किया, उन्होंने गोद में बैठा कर रखते हैं और बड़े बड़े ज्ञानियों के सामने उन्हें बड़े तत्व उपदेश देते हैं। पहले मैंने बताया ना क्यों शंकर जी पार्वती को गोद में क्यों बैठा कर रखते हैं, कारण क्या है, कारण क्या है, बोला मैंने पहले क्या बताया था, याद है? हाँ, इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कहीं भी हो, अगर भगवान राम का कृष्ण का नाम अगर कोई जप करता है, श्री शंकर जी क्या करते हैं, जहां रहते हैं वहीं से उनको प्रणाम करता है। इसलिए महाप्रभु ना तीन तरह का वैष्णव, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। चार मुख्य सुनी एक बार कृष्ण नाम है, उसके बाद में सहित वैष्णव वंदत हर चरण। इसलिए जो एक बार भगवान का नाम लेता है, कहे तो उनका चरण वंदन करनी चाहिए। अगर ये चीज अगर कहीं दिखता है ना, शंकर जी में दिखता है, कहीं भी एक बार प्रभु का कोई नाम लेते हैं, भोले बाबा उनको प्रणाम करते हैं, वैष्णव है। लेकिन पार्वती को क्यों लेते हैं, बोले कारण है, बोले सहस नाम सुनी प्रिय वाणी, जपी जई प्रिय संग भवानी। शंकर पार्वती है, जब पार्वती शंकर जी से पूछे, बोले प्रभु हम किसकी नाम जप करें, शंकर जी क्या बोलते हैं, बोले राम रामेति रमेति, रम रमे मनोरमे, सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। कहते हे पार्वती है, हे सुंदरी पार्वती, जो विष्णु सहस्र नाम है, है? इसलिए जो सहस्र नाम जप करते हैं उसको जो फल मिलता है, एक बार राम नाम करने से वही फल मिलता है। कि तभी से माता पार्वती क्या करती हैं, अपना मुंह में हर समय भगवान की नाम को जप करती। जो एक बार नाम जप कर शंकर जी प्रणाम करते हैं, और जो हर समय प्रभु का नाम जप करते हैं, इसलिए शंकर जी कहते तुम तो मेरे गोद में बैठने का लायक है। इसलिए शंकर जी उनको गोद में किसको बैठाते हैं, बड़े प्यारे व्यक्ति को, जैसे बच्चों को बैठाते गोद में है। इसलिए शंकर जी पार्वती को हर समय गोद में बैठा रखती है, बोले क्यों, पार्वती वैष्णवी, परम वैष्णवी श्री पार्वती, हर समय भगवान को प्रेम करने वाले, भगवान को भक्ति करने वाले, पर भगवान के नाम जप करती हैं, भक्ति करती हैं। शंकर जी हर समय पार्वती को भगवान की कथा सुनाते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं है? इसलिए शंकर जी भगवान से यही बार मांगते हैं, प्रभु अब कि मैं भक्ति करता रहो, जत सौर निश्रित सरित बरोदके न तीर्थ न मूर्धति कृत्य न शिवम सिर अभुवत। इसलिए कहते शंकर जी की इतने महिमा जगत में क्यों है, कारण क्या है, बोले कारण है शंकर जी अपना मस्तक ऊपर में पतित पावन जो गंगा देवी, उनको अपना सर में धारण करके रखे। गंगा कौन है, बोले भगवान की चरणामृत है ठाकुर जी। इसलिए शंकर जी की इतने जगत में महिमा। शंकर कहते हैं शंकर जी परम वैष्णव है। वैष्णव लोग क्या करते हैं, अपने आप को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा जगत में प्रकाशित तो होंगे तो वैसे तो शंकर जी को तंग कर देते हैं, पहाड़ के ऊपर रहते हैं तभी शंकर जी को पीछा नहीं छोड़ते, वहां भी पहुंच जाते हैं। इसलिए वैष्णव शंकर जी हर समय क्या चाहते हैं, बस एकांत में बैठे करके भगवान के नाम जप करते रहे और भगवान के प्रेम में मस्त रहे, है भगवान की
भक्ति में मस्त रहे। इसलिए शंकर जी इसलिए शरीर में मुंड की माला, सारा शरीर में बहुति लगाते हैं, जटा जूट शरीर, गले में सर्प की माला, और उन्होंने शंकर जी पूरा बहुति लगा करके शंकर जी बैठ रहे थे। कल भैया मेरे को कोई भक्ति में कोई डिस्टर्ब मत करे, हैं, मेरे को हर समय भक्ति करने दो। लेकिन शंकर जी को कहते अपने आप को क्यों नहीं छुपा पाए, कारण है शंकर जी को पास में सबसे जो श्रेष्ठ वस्तु कहती है पतित पावन श्री गंगा उनके जटा में है, भगवान की चरणामृत। इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं सके। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते भक्ति कहते जिस समय श्री व्यास देव जी उनने सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना किया, सारे वेद को प्रकाशित किया, उपनिषद को, ब्रह्म सूत्र को, 18 पुराणों को लिखे, फिर उसको बाद में स्त्री शूद्रों का वेद में अधिकार नहीं, पंचम वेद उन्होंने श्री महाभारत को देखे। लेकिन लिखने के बाद तब भी उनको शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तब नारद जी प्रकट होकर के फिर तुमको शांति क्यों नहीं मिल रहा है उसका रहस्य बताया। बोले यथा धर्म दर था मुनि पर ज्ञान कीर्तित न तथा वासुदेव स महिमा जनु वर्णित। बोले तुमने दूसरे दूसरे धर्म को जितने तुमने बढ़ा चढ़ा करके बताया ना, उतना तुमने भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान की वासुदेव का चरित्र को जी भर कर गाए नहीं, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही। तो उन्होंने जब व्यास देव को ये बात बताई, पर व्यास देव जी भागवत ग्रंथ को उन्होंने कैसे लिखे, कहते भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहितमले अपस्यम पुरुषम पूर्णम मायांच तत् अपाश्रय। तो यहाँ पर कहते हैं तो श्री व्यास देव जी कैसे बोले भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहित अमले, जब उन्होंने भक्ति जोग समाधि को द्वारा उन्होंने समाधिस्त हुए, उन्होंने क्या देखा, बोले अपस्यम पुरुषम पूर्णम, उन्होंने पूर्ण पुरुष को दर्शन किया। पूर्ण पुरुष मतलब भगवान कृष्ण, राधा रानी, ग्वालवाल, सखा सखी, नंद जसोदा, पूरा गोलोक वृंदावन दर्शन किया। तब यहाँ कह रहे हैं कहते ये व्यास देव को शांति कब मिली, तब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ को जब रचना की, उन्होंने कैसे ये भागवत रचना की, बोले भक्ति जोगे ना, ज्ञान योग का द्वारा नहीं, योग योग द्वारा नहीं, कर्म योग के द्वारा नहीं, बोले भक्ति योगे न सम्यक प्रणहित। बोले यहाँ शिक्षा देते हैं भक्ति योग के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब उन्होंने सब कुछ दर्शन किए, जब उन्होंने भक्ति की मदद से, भक्ति की सहारा से जब उन्होंने समाधिस्त हुए, तब उन्होंने भागवत गीत लिखे, तब भी प्यास देव को तभी शांति मिली। उसको पहले शांति नहीं मिली, शिक्षा देते ही प्यास देव को भक्ति योग को द्वारा ही शांति मिली है। इसलिए यहाँ पर कहते बोले एरकम भक्ति क्या मी, इसलिए श्री मुकुंद कह रहे हैं ऐसे जो भक्ति की महिमा है, कहते मैंने ऐसे भक्ति को मैंने अनादर किया और मैंने ज्ञानियों के पास में जा करके ज्ञान की महिमा का व्याख्यान किया, भक्ति की महिमा छोड़ दिया, इसलिए है इसलिए कहते मेरा क्या गति होएगा। महाप्रभु बोलते हैं जथा तुम्हें गाँव हमें सिखाने था, इसलिए कहते मुकुंद चिंता मत करो, तुम जहाँ जहाँ कीर्तन करते हो, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गए, जहाँ जहाँ तुम कीर्तन करते हो मैं वहीं वहीं पर मैं निवास करता हूँ, इसलिए भक्ति बिना आमा देखिलो कि छुनाए। अगर जिसके हृदय में भक्ति नहीं, भक्ति के बगैर कहते अगर हमें दर्शन भी कर ले उनको कोई लाभ होने वाला नहीं। इसलिए कहते अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राज्य इंद्रिय सेवन मुख जिहा दो स्वयं मेव स्फुर तत्व। इसलिए यहाँ कहते अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राज्य इंद्रिय, जड़ इंद्रियों के द्वारा कृष्ण नाम को ग्रहण नहीं कर सकते हो, हैं, इसलिए सेवन मुख ही जीवा दो, सेवन मुख मतलब भक्ति है, केवल भक्ति को द्वारा ही सेवन मुख ही जिहा दो स्वयं अब स्फुर तत्व। जब भक्ति भावना युक्त होकर भगवान का नाम को ग्रहण करेंगे तभी नाम जिहा में हृदय में प्रकट होता है, है? इसलिए यहाँ महाप्रभु कहते मोर भक्ति बिना कोनो कर्म में किच्छु न है, हैं, कहते मेरी भक्ति के बगैर, हैं, किसी कर्म में भी कुछ नहीं होता है,
इसलिए यहाँ उदाहरण देते हैं, बोले श्रेय श्रुति, बोलो जोर से श्रेय श्रुति, अरे बोलो श्लोक बधल लब्ध है क्लेश अभिशिष्यते स्थूलम यथा तुषाभाति, बोलो अर्थ भाई भाई। इसलिए यहाँ पर ये श्लोक को कौन कह रहे हैं, श्लोक किस कौन बोल रहे हैं, ये श्लोक किसका श्लोक है? हाँ, इसलिए ये ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा ये श्लोक को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हैं? इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को जब पता चला कृष्ण कौन है, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म भगवान है, उस समय ब्रह्मा जी उन्होंने भगवान की स्तुति करते 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 ये श्लोक को कह रहे हैं, बोले श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य ते विभो, हैं? कहते जो भक्ति मार्ग है ये अत्यंत अत्यंत सरल मार्ग है, इनसे जैसे जगत में सरल मार्ग जगत में कुछ नहीं। इसलिए श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिशंति जय केवल बोध लब्ध है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कहते ये भक्ति मार्ग इतना सरल मार्ग भक्ति है, इतने सरल मार्ग, ब्रह्मा जी कहते हैं ये मूर्ख लोग ये भक्ति मार्ग छोड़ करके ये ज्ञान मार्ग में क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? ब्रह्मा जी कह रहे किस लिए जाते हैं ये ज्ञान मार्ग क्यों, भक्ति मार्ग इतने सरल हैं, इतने सरल मार्ग को छोड़ करके। इसलिए वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में कहते हैं भगवान कितने बड़ी बड़ी भक्ति के लिए भगवान कितने बड़ी बड़ी बात बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं, बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपरहित असनामी प्रजतात्मन। इसका मतलब अगर भक्ति पूर्वक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान चार चीज का नाम लिया जो बिना पैसा में मिलता है। अभी तो हर चीज पैसा में हो गया, लेकिन पहले ये चार चीज के लिए कोई पैसा नहीं, फ्री में है। पता रास्ता में जा रहे हो किसी पेड़ से, कोई पता ले लिया, और तुलसी पता ले लिया, पत्रम है, भगवान इतने उसको द्वारा रीज जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं अगर गंगा पानी अगर तुलसी पता अगर मेरे को भक्ति पूर्वक कोई दे देते हैं, भगवान क्या कहते हैं उसका ऋणी से मैं मुक्त उऋणी बनने के लिए मैं सर खुजलाना शुरू कर देता हूँ, इसका ऋणी से मैं कैसे मुक्त होऊंगा। इसलिए भगवान को पत्ता देकर किसने खुश किया था, बोलो भगवान को पत्ता खिलाकर कौन खुश किया था? हाँ, विदुर। इसलिए कहीं कहीं पर आता है उन्होंने केला खिलाए, लेकिन कहीं कहीं आता है उन्होंने साग भाजी खिलाए। हम उड़िया में जो कीर्तन है, विदुर जी उन्होंने भगवान का क्या खिलाए, कहते साग भाजी खिलाए भगवान को, और भगवान साग भाजी खा करके हाँ दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घरे खाई, ये सूरदास जी कहते सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। इसलिए दुर्योधन का मेवा त्याग करके और उनने विदुर जी घर में साग, इसलिए पत्रम पुष्पम, पुष्प किसने दिया किसने दिया, हाथी ने, गजेंद्र, गजेंद्र तो बोला ना, इसलिए गजेंद्र ने केवल एक फूल जिस समय मगरमच्छी उनको खींचते हुए ले जा रहा था, लेते लेते जब उनको नाक तक पानी आ गया, देखा तो भैया और तो कोई उपाय ही नहीं, तो उन्होंने केवल एक कमल फूल लेकर के भगवान को अर्पण किया। कहते जीवन में भगवान को दो बार जल्दी मची है, कहाँ कहाँ पर, एक तो द्रौपदी की वस्त्र हरण में और दूसरा बार उन्होंने गज को उन्होंने उद्धार करते समय है, दो बार जीवन में ये जल्दी मची है। इसलिए केवल उन्होंने गजेंद्र बोले ना रा, अभी उन्होंने यण नहीं बोला, ना रा बोलते चक्र पेशी नकरनासी, हाँ क्या क्या चक्र क्या आए नीला शैल प्रबल मत वारण, इसलिए चक्र पेशी नकर पेशी उधारी न अपना, इसलिए उन्होंने केवल ना रा बोलते उन्होंने चक्र भेज करके उन्होंने मगर मच्छी को उन्होंने काट डाले है। इसलिए जब भगवान आए बोले ये क्या कर रहे हो मगरमच्छी तुमने, जब उन्होंने उधार बोले ये क्या कर रहे हो, बोले प्रभु बुरा क्या किया, बढ़िया अच्छा क्या, बोले बुरा मतलब उसको उसको खून चूस रहा था, बोले खून क्या, ये कौन पूर्व जन्म में हाथी कौन था, कहते ये इंद्रद्युम्न महाराज, अगर मगरमच्छी कौन था, हुहु गंधर्व है, ये था पहले हुहु गंधर्व, और हाथी था पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज। इसलिए
कहते मैं तो वैष्णव का चरण पकड़ा मैंने। क्यों कहता ना, जब तक वैष्णव का चरण नहीं पकड़ोगे उधार नहीं होगा। वैष्णव का चरण पकड़ा तभी तो आपने मेरे को उधार किया है, तभी तो आपने उधार किया। इसलिए यहाँ कहते पत्रम पुष्पम फल फलम तोयम, फलम फल किसको किसने अर्पण किया? सबरी ने है। इसलिए बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले सबरी तुम्हारी झूठे बेर में जो स्वाद मिला है, कहते वैकुंठ में मेरी पटरानिया लक्ष्मी जो मेरे को छापा न 36 व्यंजन अर्पण करते उससे भी इतना मेरे को स्वाद नहीं मिला है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब कहते पानी, पानी किसने दिया? आदित्य आचार्य ने। इसलिए उन्होंने गंगा पानी दिया है। इसलिए यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं टीका में, देखो ये भक्ति कितना सरल बताए भगवान। कहते ये चार चीज नहीं, चार चीज में वो बिना पैसा में जो चीज है, जिसके लिए पैसा की जरूरत नहीं, कोई पत्ता दे दिया, थोड़ा फूल दे दिया, कोई पेड़ से के फल दे दिया, पानी दे दिया, कहते बिना पैसा में कोई एक चीज अगर भगवान को दे दो, भगवान कहते मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। इतने सरल मार्ग। और जो नव विद्या जो भक्ति, उसमें जो प्रहलाद महाराज बताए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कहते नव विद्या भक्ति आजन करने का जरूरत नहीं, कहते उसमें कोई एक भी भक्ति मेरे को कोई कर दे, एक भक्ति उससे ही मैं प्रसन्न हो जाता। इसलिए श्रवण को द्वारा किसने प्राप्त किया? प्रहलाद श्री परीक्षित महाराज। कीर्तन को द्वारा सुखदेव गोस्वामी। स्मरण को द्वारा प्रहलाद। और श्रवण विष्णु पाद सेवन को द्वारा लक्ष्मी। अर्चन प्रीत महाराज। बंधन अक्रूर। पाद सेवन लक्ष्मी, अर्चन बंधन दास्य हनुमान, सख्य अर्जुन है, आत्मनिवेदन बलि महाराज। कहते इन लोगों ने है विश्वनाथ चक्र ठाकुर, इन लोगों ने केवल एक एक भक्ति को उन्होंने याजन किया है, एक एक भक्ति याजन किया तो उन्हें भगवत प्राप्ति हो गया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर है, कहते प्रभु ये भक्ति मार्ग इतने सरल मार्ग है, ये लोग इतने सरल मार्ग भक्ति मार्ग को छोड़ करके ये ज्ञान मार्ग में क्यों जाते हैं? जैसे उदाहरण दिया, जैसे धान है, अगर उसमें चावल निकाल दो, रह गया तूस, उसमें रह गया हिंदी में क्या तूस बोलते हैं, हाँ भूस, रह गया भूस। अब ये भूस को अगर कुटते रहो जिंदगी भर, अगर कुटते रहना भूस को, कुछ भी निकलने वाले, कुछ भी निकलने वाले नहीं। और कहते जो भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में एक विशेष चीज है। कल भक्ति मार्ग में क्या विशेष चीज है? बोले भक्ति करने के लिए तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। भक्ति करने के लिए, जैसे भक्ति में प्रवेश के लिए, बोले नहीं भैया जब ये तुम्हारे अंदर में ये क्वालिफिकेशन होगा जा करके तभी तुम भक्ति कर सकते हो। भक्ति में कुछ भी क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं। पवित्र अपवित्र नीच कुछ भी क्यों नहीं हो तुम भक्ति में अधिकारी बन सकते हो, लेकिन ज्ञान में ऐसे नहीं। शंकराचार्य कहते हैं पहले तो चार ही गुण तुम्हारे अंदर में, समो दम और क्या उन्होंने बताए, तितिक्षव और क्या और क्या। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं तुमको ज्ञान में आने के लिए समदम मतलब होता है अंदर इंद्रिय की तुम्हारे अंदर में कंट्रोल होनी चाहिए, बाहर इंद्रिय की समदम तितिक्षव का, ऐसे उन्होंने बोले चार ही गुण तुम्हारे अंदर में होनी चाहिए तभी जाकर के तुम ज्ञानी, तुम भक्त जा करके तुम ये ज्ञान मार्ग में, तभी तुम इस ज्ञान मार्ग में आ सकते हो, नहीं तुम्हारे अधिकार नहीं। इसलिए कहते जगत में जो शंकरपंथी है ना, जो सन्यासी त्रिदंड नगर घूमते हैं, बोले तब सब धोखेबाजी आदमी, धोखेबाजी आदमी है। बोले तुम्हारी एकदम इसमें अधिकार है ही नहीं। कहते इसमें अधिकार के लिए तुमको सबसे पहले ये चार गुण अंदर में तुम्हें आनी चाहिए, सारे इंद्रियों को पहले दमन करो, फिर जाकर तुमको ज्ञान में तुमको जाकर तभी कहीं प्रवेश मिलेगा, नहीं तो तुम्हारी कोई प्रवेश नहीं। इसलिए कोई एक व्यक्ति कह रहे थे कि जो सन्यासी लोग शिष्य बनाते हैं, सन्यासी लोग दिखा देते कान फूंकते सब लोग ढोंगी, सब सबके सब बदमाशी है, तुम्हारे अधिकार नहीं उसमें। कौन सा इंद्रिय तुमने दमन कर लिया जो ज्ञान मार्ग में आए, लेकिन भक्ति मार्ग में कोई गुण की तुम्हारे अंदर में जरूरत नहीं। भगवान कहते जिस अवस्था में तुम हो उसी अवस्था में ही तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो, लेकिन ज्ञान में नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं क्यों लोग इस सब चीज को छोड़कर भक्ति ये कठिन मार्ग में क्यों जाते हैं? इसलिए कहते हैं न साधयति माम योग न सांख्यम धर्म उद्धव
न साधये तपस्त्याग जथा भक्ति ममर्जिता। भगवान कृष्ण उद्धव जी को ये कह रहे हैं, बोले हे उद्धव, कत न साधये तमाम योग, योग को द्वारा मेरे को कोई साधन नहीं कर सकते, मेरे को कोई संतुष्ट नहीं कर सकते, सांख्य के द्वारा नहीं है। इसलिए किसको, जथा भक्ति ममर्जिता, भक्ति को द्वारा जैसे मेरे को लोग प्रसन्न कर सकते हैं, मेरे को अधीन कर सकते हैं, और किसी को द्वारा मेरे को कोई प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान जब ये बात बोल दिए, कहो भक्ति को द्वारा, फिर ज्ञान योग मार्ग में कहते क्यों लोग भटकते हैं, मूर्ख लोग है क्यों भटकते हैं। इसलिए इसलिए कहते भक्ति रे वै नयति, भक्ति रे वै दर्शयति, भक्ति वस पुरुष भक्ति वस भूयसी है। इसलिए भक्ति की ही सर्व, इसलिए यहाँ पर जो प्रभुपाद है ना वृंदावन दास ठाकुर कहते, अगर कहीं भक्ति के भैया बोले, यहाँ पर उन्होंने इतने उदाहरण दिया, इतने इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है भक्ति के, अगर कहीं भक्ति की महिमा कहीं गाओ, बस यही उठा लो, सारे श्लोकों को यहाँ पर उन्होंने उद्धृत कर दिया। कहाँ से कहाँ से, पुरुष सह पर पार्थ भक्त्या लभ्य स्तोनया, गीता में कहा है। इसलिए ना हम सुखाप भगवान देहिनाम गोपिका सुत ज्ञानिनां च आत्मभूतानां जथा भक्ति बतामिह। इसलिए कहाँ कहाँ से श्लोकों को उन्होंने यहाँ पर उठा करके बताए, केवल केवल भक्ति के द्वारा ही कैसे मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भक्ति कृष्ण बस है भक्त तारे भजी, अतेव भक्ति कृष्ण प्राप्यर उपाय है। कते न धने न समृद्धे नैव रिपु लया धिया, एके न भक्ति जोगे न समीपे दृश्यति क्षणात्, प्राप्य में देह विनाम भक्ति क्रियते स वृथाश्रय, संसार सागरा तद विष्णु भक्ति बिना नरम। इसलिए पद्म प्राण कितने उन्होंने यहाँ पर श्लोकों को उन्होंने उद्धृत करके यही से भक्ति का अगर महिमा बोलना तो बस इसको ही है, यही चीज को उद्धृत करके ले जाओ, बस कहीं की भक्ति की महिमा बोलना तो मतलब इतना। फिर लास्ट में उन्होंने एक बढ़िया श्लोक उन्होंने दिया है, हैं ये श्लोक हो सकते तो ये श्लोक को याद कर लेना है। कहते व्याधस्या चरणम ध्रुव सच वयम विद्या गजेन्द्र का कुब्जया किमु नाम रूप अधिकम किंतु तद मुता बेधनम वंशको विदुरस्य जादवपते रुग्रस्यम किम पौरस्यम भक्त्या तु संति केवलम नच गुणई भक्ति प्रिय माधव। ये श्लोक याद है, इस श्लोक को बहुत बढ़िया श्लोक यहाँ पर उद्धृत करके दिया है। कभी ये चैतन्य मंगल का श्लोक है मुझे लगता है, है? हाँ पद्यावली में, पद्यावली से ये श्लोक मिलते, वहां से उन्होंने ये चैतन्य मंगल में उन्होंने ये श्लोक दिया यहाँ पर। इसलिए अगर कोई बोले भैया भगवान की भक्ति करने के लिए कोई बढ़िया आचरण होने चाहिए भक्ति कर सकते हैं, बोले भैया व्याध का कौन सा आचरण था, ये जानवर को मारने वाले और निकृष्ट जाति में कहाँ है, है? अगर कोई बोले भैया भगवान की भक्ति करने के लिए उम्र तो होनी चाहिए ना, कोई कहते अभी कोई भजन करने का उम्र है, हैं इतने बचपन में सब घर बार छोड़ दिया, जब बूढ़े हो जाओगे तब थोड़ा भगवान का नाम। कहते यहाँ पर ध्रुव सचक वयम, ध्रुव जी का कौन सा उम्र था जो कि उन्होंने भगवान की भक्ति किया। इसलिए कहते भैया पढ़ाई करने के लिए पहले तो बढ़िया करके पढ़ाई करके एम ए पी एच डॉक्टर इंजीनियर बन के फिर तो अगर भक्ति करे, बोले बोले गजेंद्र विद्या गजेंद्र से का ये हाथी का कौन सा विद्या था, केवल उन्होंने भगवान के फूल दिया तो भगवान संतुष्ट हो गए। कहते कोई बोले अगर कोई सुंदर शरीर हो तभी तो भगवान की भक्ति करे, बोले भैया कुब्जा की कौन सा तीन जगह में टेढ़ी कुबड़ी थी, हैं कुबड़ी थी भगवान उसको बोले कि उसका कौन सा रूप था, हैं। इसलिए बोले भैया जब 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 तक बढ़िया धन नहीं हो पहले धन को अच्छे तरह से कमा ले फिर भगवान की भक्ति करेंगे। तब यहाँ पर कह रहे हैं सुदामा जी को पास में कौन सा धन था जो भगवान दो मुठी चिड़वा में ठाकुर जी त्रिभुवन राजे दे दिया, बोले भैया भक्ति करने के लिए कोई श्रेष्ठ वंश चाहिए, कहते विदुरस्य वंश को विदुरस्य है, कहते कोई पौरुष चाहिए, कहते उग्रसन का कौन सा पौरुष था। इसलिए भक्त्या दुष्यंत केवल नच गुण भक्ति प्रिय माधव, भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल भगवान
केवल भक्ति रस श्री चैतन्य गोसाई भगवान केवल भक्ति को द्वारा प्रसन्न होते हैं और किसी चीज को द्वारा भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। बोले श्री भक्ति महारानी की, बोले सचिनंदन गौर हरि की। हाँ, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं धन्य को ले पांडित चैतन्य नाही पाए केवल भक्ति रस चैतन्य गोसाई। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। हरे कृष्ण हिताय गौर वंशाकुलभ्य कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यही से ना एक एक सब्जेक्ट को मैं समझता चैतन्य भागवत से एक एक सब्जेक्ट को तैयारी करके भेजनी चाहिए। चैतन्य भागवत से एक एक सब्जेक्ट तैयारी करके ना आप वीडियो में भेजनी चाहिए। बहुत अच्छे जो है इसमें अच्छी अच्छी सब्जेक्ट भक्ति भक्ति का क्या महिमा है। बस यहीं से भक्ति का महिमा यहीं से है, यही से एक सब्जेक्ट। और यहाँ पर यहीं से बहुत सारे सब्जेक्ट निकल सकता है। हाँ, अलग अलग जगह पर मैंने देखा, अलग अलग जगह पर उन्होंने अच्छी अच्छी सब्जेक्ट बताया और बहुत उदाहरण दिया। प्रभुपाद ने टीका में क्या क्या दिया, यहीं से बहुत सारी सब्जेक्ट यहीं से तैयार करके देते हैं। हाँ, भक्ति का महिमा, प्रेमी का महिमा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाथ मदन मोहन की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। नितलीला प्रविष्ट शिल भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रविष्ट शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज की जय। नितलीला प्रविष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय।
अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। भक्ति वेदांत बद्धन महाराज की जय। गौर परमानंदे हरि हरि बोल।